नमस्कार दोस्तों, आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि ई टेंडर हमें किस तरह से पब्लिश करते हैं ऑनलाइन। तो जो हमारी ई टेंडरिंग की जो साइट है उसके लिए सबसे पहले हम इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलेंगे, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही जो है चलती है ये साइट। मोजिला या फायरफॉक्स में या क्रोम के अंदर ये नहीं चलती। तो हम इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम यहाँ पे साइट का एड्रेस डालेंगे, URL। ये है HTTP और etender.hry.nic.in के नाम से है। आप इसको गूगल में जाके सर्च करोगे, ई टेंडर डालोगे, ये हरियाणा के लिए है। आप किसी भी स्टेट के लिए कर अलग किसी दूसरे स्टेट के लिए करते हो तो वहाँ के लिए अलग, आप जो भी स्टेट का नाम डाल दो, ई टेंडर राजस्थान, ई टेंडर हरियाणा या ई टेंडर पंजाब, जो भी है गूगल में सर्च करोगे वहाँ पे आपका एड्रेस मिल जाएगा। तो ये हमारी जो मेन साइट की जो है टेंडर की जो साइट है ओपन हो जाती है। इसके बाद आपने अपना जो DSC है, डिजिटल सर्टिफिकेट, वो आपने कंप्यूटर के अंदर लगाना है, USB डिजिटल सिग्नेचर जो आपके पास है। और अगर आपके पास ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर पड़ा है, कहीं पे आपने सेव कर रखा है, तो उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए पहले। तो मेरे पास जो है टोकन है USB पेन ड्राइव, और वो मैंने कनेक्ट कर दिए और इसमें इंस्टॉल भी कर रखी है। तो इसमें सबसे पहले आप डालेंगे User ID, उसके बाद आप इसमें जो एक कैप चा दिया हुआ है इसको आप डालोगे, लॉगिन के बटन पर क्लिक करोगे, उसके बाद एक पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड डालोगे, प्रोसीड पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप ये विंडो जो है, ये जो डिजिटल सिग्नेचर है उसको यहाँ पे ऑटोमेटिक ये उठा देता है। इसको आपने रन करना है, यहाँ पे लॉगिन का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये हमारे जो डिजिटल सिग्नेचर है उसका पिन मांग रहा है, इस पर आपने डिजिटल सिग्नेचर का पिन डालना है और ओके करना है। ये आपकी जो है साइट जो है ओपन हो चुकी है, आपका लॉगिन हो चुका है। अब आपने इसमें सबसे पहले यहाँ पे जाना है टेंडर मैनेजमेंट के अंदर। टेंडर मैनेजमेंट में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट टेंडर टेंडर लिस्ट, आप इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आपने पहले बना रखा है तो यहाँ पे पूरी लिस्ट यहाँ पे शो करेगा उनकी जो पेंडिंग में आपके पड़ा है। और अगर आपने न्यू क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे नीचे क्रिएट न्यू कॉल फॉर टेंडर्स इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद ये आपसे पूछेगा टेंडर रेफरेंस नंबर, आप जो भी यहाँ पे टेंडर रेफरेंस नंबर डालना चाहते हो वो यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ टेंडर और जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया टेंडर फॉर फर्टिलाइजर लेबर कार्टेज। उसके बाद टेंडर टाइप ओपन टेंडर होगा, फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर वर्क है, सप्लाई है तो वर्क है, नंबर ऑफ कवर में हमने मतलब कितने उनके जो कवर लेने हैं, इसके अंदर दो लेने हैं, एक तो टेक्निकल होते हैं, टेक्निकल कवर के अंदर जो भी हमारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स के वो आ जाएंगे। दूसरा कवर होगा जो वो होगा फाइनेंशियल, जिसके अंदर वो अपनी जो बिड है प्राइस बिड रेट जो भी ऑफर देगा वो डालेगा उसके अंदर। सेकंड इसमें फिर के बाद आता है सर्विसेज, इसमें आता है नंबर ऑफ बिड ओपनर, मतलब बिड को ओपन करने के लिए आप कितने बिडर सिलेक्ट करना चाहते हो, 2 of 2। अगर आपके पास दो बंदों का डिजिटल सिग्नेचर है तो आप दो सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 का बनवा रखा है तो 3,
और चार का बनवा रखा है था चार, तो हमने यहाँ पे दो बनवा रखे हैं, तो हमने दो बंदों के डिजिटल सिग्नेचर से इसको ओपन करना है, तो इसलिए हमने इसको टू ऑफ टू सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक कवर टाइप पूछ रहा है, तो इसमें ऐड कंपोनेंट करेंगे टेक्निकल, जो फर्स्ट जो टेक्निकल है उसमें आप ऐड कंपोनेंट करेंगे। इसमें आप डालोगे कि आपको क्या चीज चाहिए उससे, बीडर से क्या आप अपलोड करवाना चाहते हैं, तो मैं इसमें लिखूंगा अपलोड ये एक्सेल की फाइल होगी, एक्सेल की बीओ की फाइल होती है, टेक्निकल फाइल होती है, वो अपलोड करेगा वो। तो वो आगे फाइल किस तरह से बनती है वो भी मैं बताऊंगा। तो इसके अंदर वो अपने रेट डालेगा, इसको नेक्स्ट करना है। हमारे पास ये दो हो गए, यहाँ पे देखिए वन और वन यहाँ पे शो कर रहे हैं, इसके अंदर एक एक बना दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे डॉक्यूमेंट यानी टेंडर टर्म एंड कंडीशन या टेंडर नोटिस, जो है सारी चीजें वो हम इसमें डालेंगे। यहाँ पे ब्राउज करेंगे, जहां भी हमने कंप्यूटर में वो डाउनलोड कर रखी हैं वहां से हम उनको उठा लेंगे। पीडीएफ फाइल में, ये पीडीएफ फाइल में ही होगी, और पीडीएफ उसका जो फाइल का नाम होगा उसमें बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए नाम के अंदर, इस बात का ध्यान रखें। ओपन करेंगे, उसके बाद ये रेड कलर का जो यहाँ पे बटन है स्कैन एंड साइन, इस पे क्लिक करेंगे। ये अपलोड कर रहा है इसको फाइल को, पीडीएफ की फाइल है 2-3 MB की। उसके बाद ये पिन मांगेगा, ओके कर देंगे। ये अपलोड कर रहा है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये हो चुकी है, ओके करेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है वेरीफाई, तो आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो आपकी फाइल अपलोड करी थी वो ये फाइल, आप इसको ओपन करके यहाँ पे डाउनलोड करके चेक करके देख सकते हैं कि आपने सही फाइल डाउन अपलोड करी है या कहीं दूसरी कोई फाइल गलत तो नहीं हो गई है। तो इसके बाद आप, अगर आपकी ये फाइल ठीक है तो आप इसको चेक पे क्लिक करके और सेव पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे लिखा रहा है वेरीफाइड, यानी कि आपकी जो फाइल है वो वेरीफाई हो चुकी है। आप और कुछ अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड पे दोबारा क्लिक करके फिर से और दूसरा आइटम कोई नोटिस वगैरह अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसमें आपने टेंडर की सारी डिटेल वगैरह डालनी है कि आपका टेंडर का टाइटल क्या है, आपके टेंडर के डिस्क्रिप्शन क्या है, किस चीज का टेंडर कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट कैटेगरी आती है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं फर्टिलाइजर का कर रहा हूँ यहाँ पे, तो फर्टिलाइजर में क्या सब कैटेगरी है, क्या है, यूरिया वगैरह की सप्लाई करनी है, यूरिया डीएपी। इसके बाद टेंडर कैटेगरी, इसमें टेंडर आ जाएगा। यहाँ पे आपने टेंडर की टोटल वैल्यू कितनी है वो डालनी है। यहाँ पे आप बिड वैलिडेशन डेट सेलेक्ट कर लेंगे, जितने दिन के लिए आप बिड की वैलिडेशन रखना चाहते हैं, 60 दिन के लिए, 90 दिन के लिए। यहाँ पे आप लोकेशन देंगे कि आप टेंडर जो सर्विस है वो कहाँ कहाँ पे होगी। यहाँ पे आप पिन कोड दे देंगे अपना, और यहाँ पे आप बिड ओपनिंग प्लेस दे देंगे, और यहाँ पे आप क्लास यानी कि आपका जो टेंडर है वो किस क्लास के होने चाहिए, बी क्लास का कर दिया मैंने। तो यहाँ पे इनवाइटिंग और 30 जो भी आपकी है वो उसका नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे।
उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद फीस का ऑप्शन आता है, अगर आपने ऑनलाइन लेनी है तो आप इस पे ऑनलाइन पे टिक कर देंगे, और अगर ऑफलाइन लेनी है तो आप इस पे टिक कर देंगे, यानी कि हम इस केस में ऑनलाइन ही जो है पेमेंट सारी होती है तो हम ऑनलाइन लेंगे। यहाँ पे आपने प्रोसेसिंग फीस इन टेंडर फीस रखनी है, जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप पे कर सकते हैं। इसमें प्रोसेसिंग फीस जो आपने फिक्स कर रखी है यहाँ पे आपका जो ये बाय डिफॉल्ट आता है यहाँ पे वो हट गया, मैंने चेंज किया था नॉट एप्लीकेबल पे कर दिया था इसलिए यहाँ पे हट गया। यहाँ पे बाय, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए, यस और नो का ऑप्शन दिया हुआ है, एग्जेम्पशन अलाउड। इस ये उस केस में यदि आप 10 आइटम वाइज करना चाहते हैं, यानी दो एक से अधिक आइटम का जो है टेंडर करना अपलोड कर रहे हो, तो इस केस में आप एग्जेम्पशन अलाउड पे यस करोगे, यानी कि आप उन दोनों 10 आइटम की जो वैल्यू है ईएमडी है वो यहाँ पे जोड़ के इकट्ठी टोटल डाल दोगे। यहाँ पे मान ले मैंने दो आइटमों की 1,00,000 डाल दी, 50,000 एक की है, तो अगर बंदा एक के लिए अप्लाई करता है तो एग्जेम्पशन अलाउड में वो 50,000 रुपये ले लेगा। अगर हमने इस पर नो कर दिया और दो आइटम है और एक के लिए भरना चाह रहा है बंदा, तो वो 1,00,000 रुपये जमा कराना पड़ेगा, वो 50,000 नहीं कर पाएगा फिर। तो इसलिए यहाँ पे अगर आइटम वाइज एक से अधिक आइटम है तो यस करना है, एग्जेम्पशन अलाउड पे यस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे भी जो बाय डिफॉल्ट आता है आपका जो भी है, यहाँ पे भी आता है, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है इसमें। इसके बाद आपने यहाँ पे स्टार्ट डेट, आप पब्लिश डेट किस डेट को पब्लिश कर रहे हो और टाइम क्या है उसकी। इसके बाद डाउनलोड की जो स्टार्टिंग, डाउनलोड डॉक्यूमेंट डाउनलोड कब से स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके बाद ये कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आप स्टार्टिंग डेट मतलब बिड सबमिशन स्टार्टिंग डेट, आपका टेंडर है जो बिड जो है डालेगा टेंडर वो किस डेट से स्टार्ट कर शुरू करेगा, तो इसमें भी हमने मामले 5 कर दिया यानी 6 बजे कर दिया। और क्लोजिंग डेट क्या है, मान लो हमने 21 कर दी, शाम 6 बजे तक क्लोज हो गया। बिड ओपनिंग लेकिन किस दिन हमें बिड खोलनी, क्लोजिंग डेट से बाद में हम किसी भी दिन के लिए रख सकते हैं, 21 से पहले नहीं रख सकते। जैसे मैंने 21 कर दिया क्लोजिंग, तो 21 के बाद की कोई भी डेट हम यहाँ पर ले सकते हैं, संडे को छोड़ गए। ग्यारह बजे का कर दिया, उसके बाद इस पर हमें नेक्स्ट करना है। देखिए नेक्स्ट करूंगा मैं, इसमें एक एरर दिखाएगा, ये रहा पब्लिश डेट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू करंट डेट। करंट डेट आज जैसे 6 है इसमें मैं 5 डाल रहा हूँ नहीं लेगा, तो हमें इसमें 7 करना पड़ेगा इस तरह। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ये हो गया। इसके बाद आता है यहाँ पे जो हमने शुरू में सेलेक्ट किए थे ओपनर, यानी कि दो ओपनर, तो कोई भी दो ओपनर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जो बिड जिस दिन हम खोलेंगे उनके जो डिजिटल सिग्नेचर हमें जरूरत पड़ेगी दोनों की, तो हमें इसमें से वो ही दो सेलेक्ट करने हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हमारे नियर बाय। सेलेक्ट करने के बाद हमें सबमिट करना है इसको। उसके बाद यहाँ पे अपलोड आना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो अपलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपलोड करेंगे बीओक्यू फाइल, बीओक्यू फाइल होती है जिसमें वो रेट भर के डालता है, जिसको कॉमर्शियल वाले, तो उसको हम ब्राउज करेंगे। गिवन बीओक्यू फाइल बना रखी है इसको, उसके बाद स्कैन करेंगे। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। ये जो हमारी वीओ की फाइल है अपलोड होगी, लेकिन इसको वेरीफाई और करना, तो वेरीफाई पे क्लिक करना।
ये हमारी वो फाइल है, हम इसको डाउनलोड करके चेक करके देख सकते हैं। हमें ओपन करेंगे अलाउ कर दो इसको, तो ये हमारी वो फाइल है, इसके अंदर वो रेट डालेगा। इसके अंदर केवल दो ही कॉलम जो है एक्टिव होते हैं, बाकी सभी ये ब्लॉक होते हैं। ये कहीं इसमें कहीं एडिटिंग नहीं होगी, बस यहाँ पर। और ये जो कलर जो हमने कर रखे हैं इस पे सिर्फ वो यहाँ पे वो नाम डालेगा और इनके अंदर वो अपने रेट डालेगा और इसको सेव करके एज इट इज वो वहाँ पे अपलोड कर देगा। तो फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो अपने अपलोड के लिए उनसे लिखा है, तो इस उसके बाद इसको चेक करना है, चेक करके सेव करना है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करना है आपने। उसके बाद ये आपकी सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो डिटेल है जो आपने फिल की है सारी इसमें यहाँ पे शो करेगा। आप इसको इसका यहाँ पे प्रिंट निकाल के और इसको चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे बटन देगा सेंड टू पब्लिश, आप इस पर क्लिक करोगे। चेक करने के बाद जैसे आप इस पर सेंड टू पब्लिश पे क्लिक करने के बाद ये जो टेंडर है हमारा इसके अंदर चला जाएगा, यानी पब्लिश टेंडर के अंदर। पब्लिश टेंडर के अंदर जब ये चला जाएगा, मैं अभी इसको पब्लिश सेंड टू पब्लिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये पहले कर चुका है इस, तो ये यहाँ पे चला जाएगा पब्लिश टेंडर पे। इस पब्लिश टेंडर पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये यहाँ पे दिखाई देगा, जो इधर नो एक्टिव टेंडर फाउंड, ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और वहां से सेंड पब्लिश पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो फिर से एक और बटन नीचे आएगा लिखा हुआ पब्लिश टेंडर, उस पर आप क्लिक कर दोगे फिर आपका टेंडर पब्लिश हो जाएगा और इस ऑप्शन के अंदर चला जाएगा पब्लिश्ड टेंडर के अंदर, इसके अंदर चला जाएगा और फिर आपका जो टेंडर यहाँ पे शो करने लगेगा। तो दोस्तों इस में